हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्की खुशी। सो फ्रेंड, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यू एमसीक्यूज क्वेश्चन रिलेटेड टू द आरबीआई। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुई, या फिर आप बोल सकते हो आरबीआई कब फॉर्म हुई। तो फ्रेंड उसके ऑप्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या है, 1935 मार्च फर्स्ट। ऑप्शन बी इज 1934 अप्रैल फर्स्ट। ऑप्शन सी इज 1935 अप्रैल फर्स्ट। एंड लास्ट ऑप्शन इज 1934 मार्च फर्स्ट। सो फ्रेंड, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो फॉर्म कब हुई थी, 1935 अप्रैल फर्स्ट। सो आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज 1935 अप्रैल फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए क्या है, व्हेन डिड आरबीआई नेशनलाइज। आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, 1950 जैन फर्स्ट, देन 1949 जैन फर्स्ट, देन 1948 जैन फर्स्ट, एंड लास्ट ऑप्शन इज 1951 जैन फर्स्ट। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुई थी, तो फ्रेंड आरबीआई 1949 जैन फर्स्ट को नेशनलाइज हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए क्या है, वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आइए हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, न्यू दिल्ली, सेकेंड चेन्नई, थर्ड मुंबई, एंड फोर्थ वन इज अ कोलकाता। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है, जो फर्स्ट हेडक्वार्टर है आरबीआई का, वो कहाँ पे है, मुंबई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर इन आरबीआई। तो फर्स्ट हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फोर, सेकेंड ऑप्शन इज सिक्स, थर्ड वन इज अ एट, एंड लास्ट वन इज अ टेन। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं बता दूँ, ए वन इज अ करेक्ट आंसर। इट मीन्स आरबीआई में जो डेप्यूटी गवर्नर हैं वो कितने हैं, फोर हैं। फ्रेंड आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक। फर्स्ट हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, एसबीआई, सेकेंड आईसीआईसीआई, थर्ड एचडीएफसी, एंड लास्ट वन इज आरबीआई। सो फ्रेंड विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक, तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई, दैट मीन्स ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर। फर्स्ट हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज सर ऑसबॉर्न स्मिथ, बी आर गांधी, सी सर सी डी देशमुख, एंड लास्ट ऑप्शन इज रघुराम राजन। तो फ्रेंड जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया ओरिजिन। लाइक इंडिया के ओरिजिन से फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या है, ऑसबॉर्न स्मिथ, सेकेंड ऑप्शन इज राजगोपालचारी, सी वन एल के झा, एंड लास्ट वन सी डी देशमुख। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सी डी देशमुख। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन गवर्नर थे आरबीआई के वो कौन थे, सी डी देशमुख थे। एंड जबकि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, विच बैंक इज नोन एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड द फोर्थ वन इज अ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सी है, आरबीआई। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्या है, टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, 5 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन 3 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन इज 7 ईयर्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज 8 ईयर्स। सो फ्रेंड जो आरबीआई के गवर्नर है उनके टेन्योर्स कितने होते हैं, 3 ईयर्स के होते हैं। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, हु इंट्रोड्यूस द बैंकिंग ऑफ ओम्बड्समैन स्कीम। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम किसने इंट्रोड्यूस किया था, वी विल सी द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड वन इज द बैंक ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ ऑप्शन इज
पंजाब नेशनल बैंक। सो फ्रेंड, जो बैंकिंग ओमिसमेंट था उसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अपन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एनिमल इज इन द लोगो ऑफ आरबीआई। आरबीआई के लोगो में कौन सा एनिमल है। फर्स्ट हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, देन लायन, देन कैट, एंड द लास्ट वन इज अ फॉक्स। तो फ्रेंड जो आरबीआई के लोगो में जो एनिमल है वो कौन है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ आरबीआई आल्सो सर्व एज द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ वो फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं। तो फ्रेंड हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन वन देखिए यहाँ पे क्या है, रघुराम राजन। ऑप्शन बी इज द सर ऑसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज डॉक्टर मनमोहन सिंह, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सी डी देशमुख। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो क्या थे, आरबीआई के गवर्नर के साथ साथ फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। फ्रेंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, ऑन विच कमीशन्स रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। किस कमीशन्स के थ्रू या फिर किस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुई थी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट चैम्बरिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, थर्ड ऑप्शन इज केन्स कमीशन, एंड फोर्थ वन इज ए नन ऑफ दी अबोव। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी दैट इज अ हिल्टन यंग कमीशन। उसके रिकमेंडेशंस के थ्रू क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई। आरबीआई का कौन सा वर्क नहीं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, बैंक ऑफ द बैंक, सेकेंड बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, थर्ड कस्टोडियन ऑफ फॉरिन करेंसी, एंड लास्ट वन इज अ एलोकेटिंग फंड डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो फ्रेंड आरबीआई के तो ये तीनों सर्विसेज हैं, लाइक बैंकर्स टू बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरिन करेंसी, बट जो एलोकेटिंग ऑफ फंड डायरेक्ट ऑफ द फार्मर्स है ये नाबार्ड के अंदर आता है। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जो आरबीआई का वर्क नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, हु मिंट्स द कॉइन ऑफ इंडिया। कॉइन ऑफ लाइक एज यू नो कि आरबीआई क्या करती है, करेंसी को प्रिंट तो करती है बट 1 रुपीज़ के कॉइन को वो नहीं करती। सो वी विल सी द ऑप्शन। फर्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एंड फोर्थ वन इज अ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फ्रेंड ये थे आरबीआई के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड फ्रेंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।